विधा झारखंड देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ लिपिका प्रीत। अगर आप पटना या उसके आसपास के इलाके के रहने वाले हैं तो आपने रीतलाल यादव का नाम जरूर सुना होगा। क्यों, ये भी कोई पूछने वाली बात नहीं है। कभी हिस्ट्री शीटर के नाम से जाने जाने वाले रीतलाल यादव आज नेता बन गए हैं। RJD ने उन्हें पटना के दानापुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट दे दिया है और इस बार रीतलाल यादव ने तैयारियां भी पूरी जोरों शोरों से शुरू कर दी है। नामांकन दाखिल करने के लिए आज जब रीतलाल यादव दानापुर के SDO ऑफिस पहुंचे तो उनके साथ जो मजमा चल रहा था वो वाकई में हैरान कर देने वाला था। दरअसल उनके साथ हजारों हजार की संख्या में समर्थक चल रहे थे, लेकिन उनके इस रोड शो में सबसे खास बात ये थी कि उनके साथ करीब सैकड़ों की संख्या में बाउंसरों की फौज थी। उस बाउंसरों ने रीतलाल यादव की सुरक्षा का जिम्मा उठाया हुआ था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे रीतलाल यादव को चारों तरफ से बाउंसर घेरे हुए हैं और रीतलाल यादव रोड शो निकाल रहे हैं जिनमें हजारों हजार की संख्या में समर्थक उनके साथ चल रहे हैं। उनका रोड शो भी ऐसा था कि बड़े बड़े नेता शर्मा जाए, लेकिन रीतलाल यादव ने अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद से ही करते हुए बाउंसरों को हायर किया और करीब सैकड़ों की संख्या में बाउंसर रीतलाल यादव की सुरक्षा करते हुए नजर आए। हम आपको बता दें कि दानापुर विधानसभा क्षेत्र जो है वो काफी दिलचस्प बन गया है, क्योंकि इस सीट पर पहले ही राजद के और भी प्रत्याशियों ने दावा किया था। हम आपको बता दें कि इसके पहले ऐश्वर्या राय की बहन, जो तेज प्रताप यादव की पत्नी है ऐश्वर्या राय, उनकी बहन करिश्मा राय ने दानापुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट का दावा किया था। तेजस्वी यादव से उन्हें स्वीकृति भी मिल गई थी और करिश्मा राय ने प्रचार प्रसार करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन अचानक से रातों रात रीतलाल यादव राबड़ी आवास पहुँचते हैं और मुलाकात करते हैं तेजस्वी यादव से। और उन्हें जब मीडिया कर्मी उनसे मिलने और बात करने की कोशिश करते हैं तब रीतलाल यादव चुप्पी साध लेते हैं। हालांकि अगले ही दिन ये बात सामने आ जाती है कि रीतलाल यादव को RJD ने दानापुर से टिकट दे दिया है। अब ये तो साफ हो गया है कि रीतलाल यादव दानापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि राजद ने इस बार कई बाहुबलियों को अपना उम्मीदवार बनाया है, अपने पार्टी से टिकट दिया है। इसमें पहले से मोकामा के विधायक रहे बाहुबली अनंत सिंह का नाम और उनकी पत्नी का नाम शामिल है और अब बाहुबली रीतलाल यादव भी इस लिस्ट में शुमार हो गए हैं। हालांकि इस बार का विधानसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि राजद ने बाहुबलियों का सहारा लिया है विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए और अपनी सरकार बनाने के लिए।
बहरहाल इन बाहुबलियों में से अभी पटना में सबसे ज्यादा चर्चे में रीतलाल यादव आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने जो रोड शो निकाला है उसका विजुअल काफी ज्यादा फेमस हो गया है, क्योंकि उनका ये जो अनोखा अंदाज था रोड शो निकालने का, जिसमें उनके साथ बाउंसर भी काफी थे, वो लोगों को काफी हैरान कर रहा है। और साथ ही राजद में भी और साथ ही सियासी गलियारे में भी काफी हलचल मचा कर रखा है। आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक कर दें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.firstbihar.com को ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।